नमस्कार, आप सभी के जनता का राज में बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मथुरा के प्रेम मंदिर में हैं। कल जन्माष्टमी थी, आज यहाँ पर बहुत भयंकर क्राउड है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर लोगों का बनना, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और हम लोग अंदर जाके आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। जोखिम उठाकर यहाँ पर प्रेम मंदिर में आए हैं। 8:30 बजे इसके बंद होने का समय होता है, ये बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी चारों तरफ आप नज़र करेंगे बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर अभी भी प्रेम मंदिर में बने हुए हैं, यहाँ पर प्रेम मंदिर को घूमने आ रहे हैं। लेकिन 8:30 बजे यहाँ का समय होता है, लाइटें बुझा दी गई है। आप कहाँ से आंटी जी, कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिल्ली से, कोलकाता से। कोलकाता से आई हैं, तो बताइए मंदिर तो घूम नहीं पाएंगी आप, क्योंकि 8:30 बजे बंद होता है, लाइटिंग वगैरह सब बंद हो चुकी है। तो क्या करेंगे, निकल जाएंगी बिल्कुल ऐसे ही देख के। नीचे से देख लिए बिल्कुल। तो चलिए, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। नाम और बता दीजिए, कैमरा यहाँ पे आंटी जी, यहाँ कैमरा है, नाम बता दीजिए अपना आप। बहुत कैमरा यहाँ पे है, नीलम जी। चलिए बढ़िया, धन्यवाद आपको। तो चलिए, बहुत ज्यादा क्राउड है और हम गुड़गांव से आए हैं। आप गुड़गांव से? गुड़गांव से आए हैं, आज सुबह ही चले थे, लेकिन बहुत भीड़ है यहाँ पे। अभी इस्कॉन टेम्पल में गए थे, वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी और यहाँ पे तो बहुत भयंकर। इससे पहले भी आए हैं, ऐसी भीड़ आज तक हमने नहीं देखी। जन्माष्टमी निकल तो भयंकर भीड़ है बहुत, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ठीक है, अपना मनोकामना पूर्ण हो गई, दर्शन हो गए, यही सबसे अच्छी बात है। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पर अब गार्ड भी सिटी में जाके इशारा कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ से निकले, तो हम भी यहाँ से निकलते हैं। हमने जो विजुअल्स आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं, विजुअल्स आप तक आएंगे। और इसका समय 8:30 बजे बंद होने का होता है, तो गर्मियों में अगर आप आते हैं तो 8:30 से थोड़ा पहले आइएगा, चूँकि इंटर हो जाते हैं हम लोग। लेकिन अब एंट्री भी बंद हो गई होगी, और मंदिर की लाइटिंग जो बड़ा खूबसूरत दिख रहा था कुछ समय पहले, लाइटिंग की वजह से
हाँ यहाँ भी फोटो ले लीजिए थोड़ा। आप लोग कहाँ से आए हैं बताएंगे थोड़ा? आसाम से आए हैं। आसाम से आए हैं, कैसे लगा मंदिर घूम के आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा है। चलिए गार्ड कह रहे हैं थोड़ा निकल जाइए क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है। नाम बता दीजिए अपना आप। कौन सा न्यूज़ चैनल? मैं जनता का राज से हूँ। अच्छा, मेरा नाम दिव्या छला। नहीं, मधु जी, दिव्या जी। मीना, कैसा लगा मंदिर घूम के? मंदिर तो बहुत सुंदर लगा, लेकिन भीड़ से थोड़ी परेशानी। भीड़ से परेशानी। चलिए, तो हमारा देश ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश की, राधे राधे। तो चलिए हम लोग भी निकलते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत परिसर है। अगर आप मथुरा वृंदावन आते हैं तो ये आपकी लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि प्रेम मंदिर बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है और लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर घूमने आती है। और चूंकि अब समय हो चुका है तो मंदिर की लाइट बंद कर दी गई है, लेकिन गोवर्धन पर्वत जो यहाँ पर बना हुआ है वो आपको दिखाते हैं। और क्राउड देखिए कितना क्राउड है, 55 एकड़ का ये बना हुआ है प्रेम मंदिर, 55 एकड़ में, फिर भी 55 एकड़ ज़मीन कम लग रही है क्राउड की वजह से। ये देखिए सामने से देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है यार, कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है दुनिया में अगर देखा जाए तो ये टॉप 10 में होना चाहिए खूबसूरती के मामले में। बहुत ही कमाल का मंदिर है, और लगभग 55 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है। जगह जगह श्री कृष्ण जी को लेकर, गोवर्धन पर्वत से लेकर, रासलीला से लेकर सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, दर्शाई गई है। वही आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये खूबसूरत गोवर्धन का नज़ारा है। और करीब जाके हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी भी लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितना कमाल का पहाड़ है, कैसे ऐसे बनाया गया होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर को ही उठा के रख दिया हो, लेकिन ये किसी और मटेरियल्स का बना होगा। थोड़ा और करीब से दिखाएंगे, करीब आ जाइए। ये देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है गोवर्धन पर्वत का, जो प्रेम मंदिर के अंदर ये परिसर है, प्रेम मंदिर के परिसर में ही ये बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत है। पानी भी दिखाइएगा, खड़े होके पानी कितना अच्छे तरीके से, पानी भी चारों तरफ पहाड़ के बह रहा है, कितना खूबसूरत दृश्य है ये। ग्वाल गोपालों की तरफ थोड़ा फोकस करिएगा, ये देखिए कितना कमाल का। एक बार परिसर दोबारा दिखा दीजिएगा, क्राउड देखिए परिसर में कितना ज़्यादा क्राउड है, कितना ज़्यादा क्राउड है। जन्माष्टमी कली थी, पुनः हम आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ देते हैं। और ये देखिए प्रेम मंदिर, थोड़ा जूम करिएगा, ये देखिए ये रहा प्रेम मंदिर, खूबसूरत प्रेम मंदिर है। परिसर की तरफ क्राउड देखिए, प्रेम मंदिर के बंद होने का समय हो गया है, फिर भी लोग बाग लगातार अभी इस परिसर में मौजूद हैं और लगातार इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं।